हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो टाइम देख रही थी और टाइम इवनिंग का होने वाला है, 12 बजने वाले हैं, तो मॉर्निंग का काम निपट गया है जैसा आप देख रहे होंगे। तो रजाई वगैरह सारी अंदर रख दिया मैंने। अच्छा, तो सारा काम निपट गया, साफ़ सफाई सब हो गई है। और आज बच्चों की है छुट्टी, बच्चों की पीटीएम थी तो उनके पापा ही गए थे। मैंने मना कर दिया था, तबीयत भी मेरी सही नहीं चल रही, फिर मैंने इन्हें बोल दिया था कि आप ही चले जाना। और बस मेरे कपड़े डालने जाना है मैंने ऊपर, अब और किचन भी मेरा नीट एंड क्लीन है, किचन भी साफ है, सब साफ है, बस कपड़े सूख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये देखो, आज ना मैंने फिल्टर भी अपना वॉश कर दिया, तो फिलहाल धुल दिया है, पानी अभी नहीं भरा है। इनका तो हल्ला हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इनका हल्ला हो रहा है। मैंने ना फ़ोन में ये लगाया टेम्पर जो होता है, उसने पूरा वैसा वाला लगाया, मतलब जैसे कैमरे में छेद होता है वैसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है धुंधली वीडियो बन रही है इससे। अभी परसों ही लगवाया यार, कितनी लगवाऊँ, और लगवा के फिर मतलब वो ये निकाल दूंगी, हफ्ता भर भी नहीं हुआ, फिर 100 रुपये का और लगवाओ। और लग रहा है मुझे कि धुंधली बन रही है इससे वीडियो, बताना आप लोग धुंधली बन रही है कि नहीं बन रही है। और तबीयत थोड़ा ऐसी डामाडोल सी चल रही है। वैसे हमने आज ससुराल जाना था, बट वही था सुबह पीटीएम भी था, मैंने इन्हें कल बोल दिया था, इन्होंने कहा फिर वहाँ से इधर आओ पीटीएम के लिए। और आरफ की क्लास भी थी बास्केटबॉल, वो सुबह गया था, बेचारे को उठना ही पड़ा छुट्टी के दिन भी, तो शाम को भी है, तो अब शाम को क्लास करके, जब हम रुकी गए तो हमने कहा शाम को क्लास करके ही जाएंगे, फिर कल और परसों फिर मंडे को छुट्टी कर देंगे उसकी, शाम के टाइम आ जाएंगे क्लास, सुबह की छुट्टी कर देंगे। तो यही, और अब छुट्टी पड़ने वाली है, क्लास की भी छुट्टी पड़ने वाली है उनकी, बास्केटबॉल क्लास की भी जनवरी में छुट्टी रहेगी, हमने पता किया था सर से। तो बस यही है, चलती हूँ कपड़े डालने, अभी 12 बजने वाले हैं, आधा घंटा ऊपर रहूँगी, फिर उसके बाद आऊँगी खाना बनाने। आलू मैंने उबाल लिया आज, आलू का झोल और भात बनाएंगे, ठीक है अन्नू? नाश्ते में इन्होंने खाई मैगी, इसके पापा के लिए तो रोटी बनाई थी, सब्जी रह रखी थी, तो उनके लिए तो रोटी सब्जी बनाई थी, उन्हें तो ऑफिस जाना था भाई, अच्छा खा के जाना था क्योंकि शाम को ही आते हैं। पानी है बोतल में? हाँ। तो चलो चलते छत के ऊपर। छत पे तो बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा, बहुत गर्मी हो रही, ऊपर चटाला से गर्मी नहीं हो रही, नहीं ऊपर चटाला, कपड़े डालने में ही इतनी गर्मी लग गई तो कपड़े सारे डल गए। मम्मी ऊपर चटाला सकते नहीं, धूप हो रही बहुत तेज, नहीं मुझे पहनना है चटाई में, मामा आने वाले हम नहीं, तो धूप तो बहुत तेज हो रही है, सारी बॉटल वगैरह लेके आ रखे हैं ये, और कपड़े नहीं थे आज, मैं बोले थे आज कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं, और नहीं होते वे भी देखो, फिर वो वही रखो, आंटी मारेंगी इनको, तो छत में भी लाओ तो भी परेशानी, वही रखो वो बैंक का है बेटा, आंटी मारेंगे ना फिर पिटाई होगी। थोड़ी देर रहती हूँ 5 मिनट, फिर चलती हूँ नीचे, हवा चलने लगी है। और हम निकल गए हैं, आपको दिखाऊं तालाब, देखो तालाब यहाँ पे ना कमल के फूल भी होते हैं, ये देखो कमल के पत्ते पड़े हैं, और फिश तो बहुत होती है इधर की तरफ है, उधर की तरफ इस तालाब में फिश बहुत सारी हैं, बहुत सारी फिशेस हैं इसमें, और इतनी प्यारी प्यारी ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, कभी दिखाऊंगी फिर से, वैसे मैंने कभी दिखाया है व्लॉग में, तो दिखाया है मैंने व्लॉग में,
बट फिलहाल नहीं दिखाया कभी। और आज मैंने जैकेट पहन लिया, ना गर्मी हो रही जैकेट में अभी, क्योंकि अब गाड़ी के अंदर तो नहीं होता ना ठंडा, बाइक वगैरह में ठंडा लगता है, और ये होते हैं ना जैकेट के मुझे बहुत गंदा लगता है, ये ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो बस आज हन्नू ने मुझे पीछे फेंक दिया है गाड़ी में कि मैं ही आगे बैठूंगा, तो वो बैठा है आगे। तो चलो चलते हैं अपने ससुराल की गली। सो फ्रेंड पहुंच गए हैं, और कितना अजीब सा लग रहा है चश्मा डाटुली में। तो पहुंच गए हैं घर पे, और मतलब जैकेट निकाल के स्वेटर पहन ली, कपड़े तो मैंने चेंज करे भी नहीं थे, वही पहन के मैं आ गई थी क्योंकि कौन देखता है गाड़ी में इतना। और फिर बस ये पहन लिया सर पे, क्योंकि मुझे ना सर पे ज़्यादा ठंडा लगता है। तो बस बच्चों ने भी जैकेट निकाल ली है क्या वाह। तो पहले पीते हैं चाय, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद होगा खाना पीना सब। आती मास्टर शेफ की बनने लगी है मैगी, भूख लगी, भूख लगी है, क्या लगी है भूख, गाड़ी में सो गया था, गाड़ी में सो गया था मेरा लल्ला। अब देखो मेरे बराबर हो गया मेरा बेटा, मेरे बराबर हो गया, देखो कहाँ जाएगा, मुझसे भी ऊपर जाएगा क्या। सो फ्रेंड मैगी बन गई थी और चाय भी बन गई थी, तो उसके बाद मैं सब्जी काटी हुई थी सासू जी ने, तो मैंने कहा चलो सब्जी छोंक देती हूँ, और फिर ये है कि उसके बाद वो हो जाएगा, मतलब फिर आराम से चाय पियेंगे, सब्जी बनती रहेगी अपनी। और सब्जी ये ज़्यादा हो गई थी ना, तो ये वो नहीं हो रही थी, मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, बिल्कुल ही वो मतलब सूखी सूखी सी हो गई थी। तो बस सब्जी बनाने के बाद कमरे में आ गए थे वो चाय लेके, और फिर मैंने कहा बेडशीट चेंज हो, ये बोल रहे थे बेडशीट चेंज कर लो क्योंकि कब से बिछी हुई है, तो मैंने कहा चलो बेडशीट चेंज कर ही देते हैं, और बेडशीट चेंज कर दी है मैंने। और धूल धूल हो जाती है ना वैसे, गंदी तो कुछ क्या होती है, पर और ये ना मेरी शादी की बेडशीट है, मतलब जो शादी में मिलती है ना वही वाली बेडशीट, और बड़ी सुंदर लगती है, मतलब होती है ना ये थोड़ा वैसी रहती है, हैवी सी ना, तो अच्छी लगती हैं। और बस इसके बाद हमने चाय पी, और इसके बाद उसके बाद मैं 7 बजे के टाइम पे आ गई थी अंदर, मैंने कहा चलो थोड़ा देर आटा भी गूंद के रख देती हूँ, और आटा गूंद के रख दो ना तो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, मतलब ना मैंने कहा वही गिलास वगैरह रखने आई थी चाय पी के, तो मैंने कहा आटा गूंद के तभी जाती हूँ। तो बस ऐसी किस्तों किस्तों में काम होता है यहाँ, वहाँ तो मैं ऐसे करती हूँ कि एक साथ ही सारा करती हूँ मतलब ना। और तो फिर मैं और बच्चे भी बिल्कुल मस्त हो रखे, पढ़ाई पढ़ाई कुछ नहीं, अपना वीडियो गेम ला रखा उन्होंने, और बस टीवी में बैठे। तो आटा गूंद लिया था, और इसके बाद मैं 7:30-8 बजे करीब आ गई थी, मैंने कहा चलो मैं अब रोटी बना देती हूँ क्योंकि सास जी ससुर जी लोग जल्दी खा लेते हैं, हम तो खैर बाद में खाएंगे, बना के रख दूंगी मैं। तो बस इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अब आपको मेरे मतलब 2-3 दिन तक ससुराल के ही व्लॉग मिलेंगे, तो मिलेंगे ससुराल के व्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।